एलेक्जेंडर डिक्स जो हैं, जो सीईओ ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका के हैं, कितना कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों का डेटा उनसे शेयर किया, बिकॉज नॉट ओनली इन इंग्लैंड बट ऑल्सो इन अमेरिका देयर आर सीरियस एलिगेशन ऑफ डेटा थेफ्ट अगेंस्ट दिस कंपनी. This company is boasting of having influenced the elections in Nigeria, in Kenya, in Brazil, also in India. तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इनसे कोई डेटा का सौदा किया है? ये सवाल इसलिए उठाने जरूरी है कि अभी कर्नाटका का चुनाव है, अभी गुजरात के चुनाव में कई उन्माद को पैदा करने की कोशिश की गई, तो कांग्रेस पार्टी ये भी बताए कि क्या पिछला जो गुजरात हिमाचल का चुनाव था और अभी जो नॉर्थ ईस्ट का चुनाव था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका का सेवाएं ली हैं कि नहीं और कर्नाटक में ले रहे हैं कि नहीं. ये सवाल सिर्फ एक रोग डेटा एनालिसिस की कंपनी का नहीं है, ये सवाल है देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का, ये सवाल है एक ईमानदार चुनाव का. और ये सवाल इसलिए बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक चीफ डेटा एनालिटिक अपने को अपॉइंट किया है. वो कौन है, क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं. लेकिन मीडिया में यह भी आया है कि वो अमेरिका में जहां काम करते थे उस कंपनी ने उनके खिलाफ केस किया है ऑन द इश्यू ऑफ डेटा इम्प्रोप्राइटी. वो भी मीडिया में है, आपको हम दे देंगे, ये हमारा आरोप नहीं है. बट द चीफ डेटा एनालिटिक ऑफ द कांग्रेस पार्टी is also suffering allegation of gross impropriety on the issue of data with his former employer in America. The issue concerns national interest and national security. And the BJP will take it very seriously if by collusive methods the data assets of Indians are sought to be pilfered.